वेलकम बैक टू एस के वन के सनवा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग फिर से डिटर्मिनेंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड दिस इज वेल हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया था इन द वेल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंस, बट यू नो दैट एन सी आर टी हैज अ टोटल ऑफ सिक्स ऑफ देम एंड वी हैव टू डिस्कस रेस्ट ऑफ देम एंड वी हैव टू ऑल्सो सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2। तो वेल ट्राई कंटिन्यूइंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड यहाँ पे हमारी पहले प्रॉपर्टी 3 आ जाती है, विच इज़ दैट इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, राइट? दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ आप देखते हो, इट्स लाइक व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज अबाउट, कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज़ अ डिटर्मिनेंट, वेल लेट्स से दैट दिस इज A11, you have A21, you have A31, then you have A12, A22 and A32, then A13, A23, A33. तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी दो ऐसे रोज हैं या फिर दो ऐसे कॉलम्स हैं, एंड दिस इज पर्टिकुलरली अ 3x3 डिटर्मिनेंट, माइट एज वेल बी 4x4 और 5x5 या फिर कितने भी यहाँ पे आप कितना भी ऑर्डर कंसिडर कर सकते हो। तो इसमें कोई भी दो रोज या फिर कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर पहला रो एंड तीसरा रो आपका अगर आइडेंटिकल है, सारे एलिमेंट्स इसमें सेम हैं ऑफ द एंटायर रो, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। या फिर ऐसा किसी दो कॉलम्स के साथ हुआ, देन द एंटायर डिटर्मिनेंस ज़ीरो। वी कैन इवन प्रूव दिस एज वी कैन सी, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस, कि आपने पहले ये जो पहले दो प्रॉपर्टीज़ पढ़े उसमें हम लोगों ने पता किया कि अगर कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी वेल डिटर्मिनेंट है एंड इसमें आप दो रोज़ की प्लेसमेंट को चेंज करते हो, फॉर इंस्टेंस पहले को तीसरे की जगह पे रख दो एंड तीसरे को पहले की जगह पे रख दो, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस, कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका साइन रिवर्स हो जाएगा। सो लेट्स कॉल दिस सेकंड डिटर्मिनेंट Δ1, तो एंड वी से दैट Δ1 इज़ वेरी वेल A31, A32, A33, A21, A22, A23 एंड A11, A12, A13, राइट? तो हम लोगों ने पहले को तीसरे रो को पहले रो की जगह पे रख दिया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर सेइंग कि सिंस वेल ऑल वी हैव डन इज मेट सम रिप्लेसमेंट्स वी नो बाय द प्रीवियस प्रॉपर्टी, दिस शुड बेसिकली इक्वल माइनस डेल्टा, राइट? शुड इन इट, तो ये माइनस डेल्टा के इक्वल होगा। सो नाउ इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यू श्योरली नो दैट एज Δ1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यहाँ पे अगर आपने Δ1 एंड डेल्टा को ऐड किया, सो दैट शुड बी समथिंग लाइक ज़ीरो, राइट? लेकिन अगर आपके A31, A32 एंड A33 एंड A11, A12 एंड A13 ये दोनों आइडेंटिकल रोज होते, मतलब अगर ये दोनों आपके रोज आइडेंटिकल होते, सो इनके सारे एलिमेंट्स सेम होते, तो आपको पता चलता कि इवन आफ्टर मेकिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द रोज आपके पास वही डिटर्मिनेंट मिल गया, राइट? कंसिडरिंग दे आर आइडेंटिकल, तो रिप्लेसमेंट करने के बाद भी वही डिटर्मिनेंट मिल गया। तो ये जो आपका Δ1 है ये तो एग्जैक्टली डेल्टा ही होना चाहिए, क्योंकि वही मैट्रिक्स है, वही डिटर्मिनेंट है, तो ये तो डेल्टा ही होना चाहिए। सो यू बेसिकली गेट दैट 2Δ इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दस Δ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने पर्टिकुलरली फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके चेक किया एंड कंसिडरिंग दैट दे आर बोथ आइडेंटिकल टू वन अनदर, लेकिन द एलिमेंट्स दैट वी कंसिडर्ड आर डेफिनेटली आर्बिट्रेरी। तो अगर आप ऐसे इन सारे रोज के लिए करते हो एंड इन सारे कॉलम्स के लिए करते हो, आई थिंक इट इज़ ऑब्वियसली वेरी ईजी टू गेस, कि ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो दैट वेल राइट हियर ये जो हम लोगों ने प्रूव किया है दैट डेल्टा विल बी ज़ीरो इन दैट केस द डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो, दिस विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल दीज रोज एंड कॉलम्स प्रोवाइडेड दैट एनी टू ऑफ देम आर आइडेंटिकल, एंड उसके लिए होल्ड करेगा, राइट?
तो दैट इज़ बेसिकली अनदर प्रॉपर्टी दैट वी गेट. कोई भी दो रोज़ या कॉलम्स होंगे प्रोवाइडेड दैट दे आर आइडेंटिकल या फिर दो से ज़्यादा होंगे, तब यहाँ पे जो टोटल डिटर्मिनेंट होती है ये आपकी ज़ीरो आ जाएगी. सो दैट्स द थर्ड प्रॉपर्टी. उससे ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट्स लाइक इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के. तो आप यहाँ पे बेसिकली आपने क्या कंसिडर किया, अगर मेरे पास यही डिटर्मिनेंट होगा एंड अब मैंने क्या किया, मैंने इसका एक डिफरेंट डिटर्मिनेंट कंसिडर कर लिया. वॉट आई हैव डन इज कि जिस मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जिस स्क्वेयर मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, उसमें आपने हर एक एलिमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर रो या फिर वन पर्टिकुलर कॉलम के से मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर के इज सम स्केलर. ऑलराइट, देन इन दिस केस में क्या होगा, फॉर इंस्टेंस अगर फर्स्ट रो में ही ऐसा कर दिया, सो यू गेट दिस राइट k 1 3, एंड देन यू हैव ऑल द अदर एलिमेंट्स a 1 2, यहाँ पे हो गया a 2 1 राइट, a 3 1, देन यू हैव a 2 2, a 3 2, a 2 3, a 3 3. देन इन दैट केस यू आर क्लियरली सीइंग राइट हेयर कि अगर अब मैं इसे बाई लाप्लास एक्सपेंशन एक्सपैंड करता हूँ, सो वॉट दिस बेसिकली बिकम्स इज, कंसिडरिंग मैं इसे फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहा हूँ, दिस इज k 1 1, टाइम्स में हो गया a 2 2 टाइम्स a 3 3, राइट a 3 3, देन देयर इज अ माइनस, एंड देन दैट बेसिकली बिकम्स माइनस में हो गया a 2 3 a 3 2, देन यहाँ पे आपने इसके लिए एक माइनस रख दिया, एंड देयर्स अ के a 1 2, देन देयर्स a 2 1 a 3 3 माइनस a 2 3 a 3 1, एंड देन यू ऐड इट विद के a 1 3, थर्ड एलिमेंट इन द फर्स्ट रो, एज मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपांड कर रहा हूँ, देन देयर्स ये टर्म हो जाएगा दिस a 2 1 a 3 2 माइनस a 2 2 a 3 1, राइट, देन दिस विल बी द डिटर्मिनेंट, राइट. अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, मैं k को एज अ कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, एंड आफ्टर आई टेक k एज अ कॉन्स्टेंट, दिस बेसिकली इज a 1 1 टाइम्स दिस टर्म माइनस a 1 2 टाइम्स दिस टर्म प्लस a 1 3 टाइम्स दिस टर्म, विच इज़ बेसिकली द लाप्लास एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ इट डेंट कंटेन द k टर्म. तो दिस इज k टाइम्स द डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल्टा इट्स सेल्फ. मतलब अगर मेरे पास एक कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा है एंड मैंने उसके मैट्रिक्स में एक पर्टिकुलर रो में, राइट, या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, के सम स्केलर, तब ये जो डिटर्मिनेंट, नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो के टाइम्स इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो जाएगी. सो दैट इज द नेक्स्ट property of the determinants, the fourth property as it is given in the NCERTs. Now I think the board is very well filled at this point, so we'll have to just pause the video at this point and rub all. Alright, now back once again. Ab hum log further dekhte hain. So the property fifth goes something like this: if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसे एग्जांपल कंसिडर किया गया है दैट हियर अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है, सो लेट्स कॉल इट डेल्टा ओनली, एंड इसे आपने लिख दिया है समथिंग लाइक, वेल यू हैव a 1 1 प्लस लैम्डा 1, एंड देन यू हैव a 1 2 प्लस मे बी लैम्डा 2, एंड देन यू हैव a 1 3 प्लस लैम्डा 3, राइट. And well, let's just write all the elements as they are. So like a 2 1, a 3 1, यहाँ पे हो गया a 2 2, यहाँ पे हो गया और a 3 2, then here we have a 2 3, a 3 3. So if you basically express a determinant this way, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे दो डिटर्मिनेंट्स का सम है, आज दिस वन डिटर्मिनेंट राइट हियर दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स a 1 1, a 2 1, a 3 1, देन a 1 2, देन a 2 3, a 2 2,
टू, इट इज़ ए टू टू, ए थ्री टू, ए वन थ्री, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री. तो ये वाला एक डिटर्मिनेंट. सो लेट्स जस्ट राइट इट एज डेल्टा, लेट्स कॉल इट वन ओनली, एंड प्लस में एक और दूसरा डिटर्मिनेंट विच इज गोइंग टू कंटेन द टर्म्स लैम्डा वन ए टू वन ए थ्री वन, लैम्डा टू ए टू टू ए थ्री टू, लैम्डा थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री. तो ऐसे मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ कि ये जो आपके पास सारे टर्म्स होंगे, ये जो आपके पास सारे टर्म्स होंगे, ये हो गए आपके डेल्टा टू के सेकेंड डिटर्मिनेंट, एंड ये जो आपके पास सारे टर्म्स हो गए, वेल इट गोज समथिंग लाइक ऑल राइट. तो ये हो गए आपके टर्म्स डेल्टा वन के. सो आई थिंक दैट इज क्विट मेसी राइट दर, एंड आई थिंक इट वर्क्स रियली. तो ये आपने इसे एज टू डिटर्मिनेंट्स डिवाइड कर दिया ना. इसका फ़ायदा अब क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ऑफन टाइम्स वेन यू एनकाउंटर सर्टन प्रॉब्लम्स, तो आपको पता चलेगा कि आप उस डिटर्मिनेंट को एज टू सच पार्ट्स डिवाइड कर सकते हो, एंड हो सकते हो उसमें से एक डिटर्मिनेंट आपका जीरो भी हो जाए. दैट वेरी ऑफन हैपन्स, एंड आई मीन इट इज़ दिस इज वन केस विच अपीयर्स वेरी ऑफन, कि आप किसी डिटर्मिनेंट को एज दो डिटर्मिनेंट्स डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू दिस. मे बी उसमें से किसी एलिमेंट को एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सप्रेस करो, एंड आपको पता चलता है जब आप इसे एज सम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट एक्सप्रेस करते हो, देन आपको पता चला दैट वेल इसमें से एक तो ऐसा एलिमेंट है जिसे सिर्फ अगर कंसिडर किया जाए तो ऐसे ही इन दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम किसी दूसरे रो और कॉलम में भी ऐसे एलिमेंट्स अपीयर करते हैं, सो दैट द डिटर्मिनेंट बिकम जीरो. और ऐसे दूसरी प्रॉपर्टीज़ कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी ऑफन द केस एज वेल इवन एनकाउंटर. सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू रियली गेट फॉर ब्रेकिंग इट डाउन टू सिंपलर फॉर द पीसेस, राइट. इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं. So if you consider well this determinant and then we'll consider that determinant separately. तो अगर मैंने पहले this left hand side को expand किया using Laplace expansion again, and since I always well very well expand it using the first row only, तो ये हो जाएगा a1 वन प्लस लामडा वन टाइम्स में क्या हो गया a22 a33 ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री प्लस और rather it's a माइनस राइट ए वन टू प्लस लैम्डा टू देन दैट्स ए टू वन ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री एंड देन दैट्स अ प्लस में हो गया एंड देन यू हैव दैट टर्म राइट दैर ए वन थ्री प्लस लैम्डा थ्री. हियर यू से दिस इज समथिंग लाइक a21 a32 minus a22 a31 and well this is basically the expansion. Now agar isme aap consider karo, since this basically contains the sum of two terms in a bracket when you try to open it, so it's like a11 is pure bracket se multiply ho raha hai, right, एंड देन लामडा वन भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड सिमिलरली ए वन टू एंड लामडा टू एंड ए वन थ्री एंड लामडा थ्री फॉर दीज रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स, राइट, दीज रिस्पेक्टिव टर्म्स. तो जब ए वन वन इस पूरे ब्रैकेट से ए वन टू एंड ए वन थ्री मल्टीप्लाई होगा, सो यू माइट एज वेल कंसिडर दिस वे और राइट इट दिस वे, जैसे this is basically the determinant of the matrix if the term lambda 1 or lambda 2 or lambda 3 were not there, and that is what we are calling delta 1, right. So it is basically when this is getting multiplied to this plus this multiplication with this minus actually right here plus may a1 3 times this whole term, so that is basically the determinant of the matrix a11 a21 a31 a12 a22 a32 and a13 a23 a33, right, and that is basically what we have called the determinant delta 1. ab yahan pe jab lambda 1 is pure se multiply hota hai, then minus lambda 2 times this plus lambda 3 times this, that is just the determinant of the matrix not containing a11 a12 and a13 but solely in their positions lambda 1 lambda 2 and lambda 3, right, and that is exactly what we had called the determinant 2, right.
तो यहाँ पे आई थिंक ये बहुत इजीली वेरीफाई हो जाता है दैट इन दिस केस डेल्टा कैन इंडीड बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू एज वी हैव वेरीफाइड ओवर हियर. तो ये आई थिंक प्रॉपर्टी फिफ्थ थी, राइट? देन वी कैन ऑल्सो गो एड टू प्रॉपर्टी सिक्स, एंड आई थिंक सिंस वील हैव टू अगेन वेरीफाइड, बट दिस वेरीफिकेशन वॉन्ट टेक एज लॉन्ग, सो वी कैन जस्ट डू इट एज इन हियर. इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड, देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. इन एसेंस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे और सी आई बिकम्स सी आई प्लस के सी जे. तो यहाँ पे इसे सीधे ऑपरेशन के टर्म्स में समझते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट डेल्टा है विच इज़ अगेन दिस वेरी सेम डिटर्मिनेंट बट कंसिडर्ड विदाउट द लैम्डास फॉर सिंप्लिसिटी. देन अगर आपने किसी पर्टिकुलर रो आई रो दैट इज आर आई पे एक ऑपरेशन विल अप्लाई किया दैट आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे वेर के इज अगेन सम स्केलर एंड आर जे इज सम अदर रो. या फिर आपने किसी कॉलम पे ऐसा ही ऑपरेशन किया दैट सी आई बिकम्स सी आई प्लस के सी जे एंड सी जे इज अगेन सम अदर कॉलम और के इज एंड के इज सम स्केलर. देन इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ये सेम रह जाएगी एंड आई थिंक दिस वॉन्ट बी वेरी ऑब्वियस और वेरी इंट्यूटिव. आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट इवन फॉर मी येट, लेकिन इसे हम लोग रियली में प्रूव भी कर सकते हैं दैट इफ़ यू हैव दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा विच इज दैट ऑल ए आई एंड प्लस ए सॉरी ऑल ए वन वन एंड ए वन टू एंड ए वन थ्री एंड ऑल दीज सेकेंड एंड थर्ड रोज. तो अगर हम लोगों ने बस क्या किया है कि यहाँ पे इस रो को कंसिडर किया, नाउ लेट्स कंसिडर द सेकेंड रो फॉर इंस्टेंस, एंड इस पूरे सेकेंड रो में हम लोगों ने एक स्केलर के मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट द सेकेंड रो बिकम्स के ए टू वन के ए टू टू के ए टू थ्री, एंड फिर हम लोगों ने अब इस रो को बेसिकली ऐड किया है. नाउ देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो इटसेल्फ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑपरेशन सेकेंड रो पे नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हम लोग ये ऐड करा रहे हैं ऑन द फर्स्ट रो इटसेल्फ. सो अगर आपने हाइपोथेटिकली सोच लिया कि इस पे आपने कोई स्केलर कैसे मल्टीप्लाई किया एंड देन इस रो को इस रो से ऐड करो एंड पुट इट इन दिस प्लेस वाइल कीपिंग दिस एक्चुअल रो इटसेल्फ अनचेंज्ड इन द एक्चुअल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, देन जो पूरा डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रह जाएगी. सो गो समथिंग लाइक दिस दैट ट्राई कैलकुलेटिंग डेल्टा एंड इट्स लाइक वेल हियर वी हैव ए वन वन, अब लैम्डा को ऑब्वियसली हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे, प्लस के ए यहाँ पे हो गया टू वन हो गया एंड हियर वी हैव ए वन टू प्लस के ए हियर इज ए टू टू एंड यहाँ पे हमारा हो गया ए वन थ्री प्लस के ए ए टू थ्री, राइट? अब इस रो को वैसे ही रहने दो, सो इट्स लाइक ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, देन वी हैव ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री. ऑल राइट, तो ये हमारा अब डिटर्मिनेंट बन गया एंड आई थिंक आई एज प्रेटी रॉन्ग ओवर दैट वी कैन रियली सॉल्व दिस और वेरीफाई दिस एंटायर प्रॉपर्टी इटसेल्फ राइट हियर. सो आई थिंक अगेन आई हैव टू पॉज द वीडियो ओनली एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी कैन प्रोसीड ऑन फर्दर वेरीफाइंग. ऑल राइट, नाउ आई बैक वंस अगेन. अब हम लोग देखते हैं सन्स वेल इस डिटर्मिनेंट को ऑब्वियसली हम लोग एज टू डिटर्मिनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वेल मेनी प्लेसेस जहाँ पे वो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी मैंने आपको बताया यूजफुल होती है. सो एज यू कैन डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट इन दिस वन ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, देन यू हैव ए टू वन ए टू ए टू टू एंड यहाँ पे एक ए थ्री थ्री हो गया, देन हियर यू हैव ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री वन. ऑल राइट, तो ये एक डिटर्मिनेंट हो गया. प्लस में हो गया आई थिंक वेल दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट वेर यू हैव के ए वन टू यू हैव के ए टू टू के ए टू थ्री, यहाँ पे हो गया ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू
A33, राइट। तो ये तो आपका वेल ओरिजिनल डिटर्मिनेंट हो गया, राइट, डेल्टा कॉलेट। तो ऐसे हम लोग वेल डेल्टा वन कह देते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट डेल्टा हो गया। ये क्या हुआ, इसमें आप देखो एक पूरा रो है जिसमें सारे एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर के है। तो इस के को आप बाहर भी कर सकते हो, यू नो कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में आपको ऐसा वेल कोई रो या कोई कॉलम मिलता है जिसमें सारे एलिमेंट्स के किसे स्केलर से स्केल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कंसिडर किया जा रहा है, then you might as well take it out because you know that this new determinant after a particular row or column being scaled by scalar k is that scalar k times the original determinant without the number, right? So ye k times this determinant ho gaya and well aapko pata chala, sorry, it is really a 2 yahan pe nahi, yahan pe I think maine kya kiya hai, yahan pe a 21 hai, yahan pe a 21 hai, so that was some कन्फ्यूजन राइटिंग, राइट। देन यहाँ पे वॉट नेक्स्ट यू कैन से कि ये पर्टिकुलर रो फर्स्ट वाला एंड इसमें ये जो सेकेंड वाला रो है दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। सिंस ये दोनों रोज ही आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, मतलब पता चला ये पूरा डिटर्मिनेंट तो ज़ीरो होना चाहिए, राइट, ये पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। एंड वेल सिंस ये पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट होगा, वेल लेट्स कॉल इट डेल्टा वन, दिस शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की किसी भी पर्टिकुलर रो पे ये ऑपरेशन आर आई बिकम्स आर आई प्लस सम स्केलर के टाइम्स आर जे, और ये ऑपरेशन दैट सी आई बिकम्स सी आई प्लस सम स्केलर के टाइम सी जे होता है, तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही ओरिजिनल वैल्यू रहती है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी वाइल सॉल्विंग फॉर डिटर्मिनेंट्स, जहाँ पे आपको पूरा एक एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा, राधा उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड ट्राई द एक्सपेंशन इन दी एंड एंड वेल यू विल गेट अ लॉट सिंपलर रिजल्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेल छः सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया एज गिवन इन एनसीईआरटी एंड देन वेल कंटिन्यू द एक्सरसाइज मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ मैन एंड थैंक्स टू ऑल।